गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चेतन वैष्णव। और ये मेरा बाल बहुत बहुत गंदा है क्योंकि अभी जस्ट मैं जर्नी करके आया हूँ और हेलमेट निकालते जैसा बाल खराब होता ना भाई साहब, पानी डाला तो भी भाई ये ठीक होने वाला है नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। सो अभी मैं हूँ इन्फिनिट एडवेंचर क्लब एंड दैट इज नियर अनंतगिरी हिल्स और ये है ब्यूटिफुली हैदराबाद से दूर 74 किलोमीटर्स। बहुत बढ़िया है, जैसा भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा क्या क्या इनके पास फैसिलिटीज़ है। पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है यहाँ पे। बेसिकली शहर से दूर जैसे गांव में बस्ती बस्ती है, जैसे गांव में लोग रहते हैं और हम भी जहाँ शहर में बंगलों में रहते हैं तो हम भी ना कभी कभी गांव वाले बन जाते हैं, तो जैसे टेंटों में रहते हैं। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको, ये दिख रहा है आपको, हाँ। तो इससे क्या होता है बोलते, हमारा स्ट्रेस फ्री होता है, जो हम ये मंडे टू फ्राइडे अपना जो गुस्सा जो है वो स्ट्रेस फ्री करने के लिए यहाँ से निकालते हैं हम। सो बेसिकली ये दिख रहा है आपको, हाँ, वन सेकेंड। तो जैसे कि मेरे पीछे आपको टेंट दिख रहे हैं, यह है हैदराबाद से 74 किलोमीटर दूर। इनका क्लब का नाम है इन्फिनिट एडवेंचर क्लब और ये लोग प्रोवाइड करते हैं कैंप टाइप में फैसिलिटीज, जिसका पर एडल्ट 2000 रुपये होता है। और 2000 रुपये में क्या क्या देते हैं, अभी तो फिलहाल टेंट दिए, इसके बाद क्या क्या इंक्लूडेड है क्या क्या है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। एंड जैसे आप देख रहे हैं थोड़ा सा वीडियो डाल दूंगा, एंजॉय कर लेना, बाकी तो टेंशन की बात है नहीं। भाई साहब बाइक पे आया हूँ और रोड कुछ दिखाने का लायक था नहीं, इसलिए दिखाया नहीं मैंने। सो फॉर दिस इन्फिनिट एडवेंचर क्लब फॉर यू, कीप वॉचिंग द वीडियो फॉर द रेस्ट डिटेल्स। और हैदराबाद वालों आखिरी किराक ईरानी चाय मारो, बिरयानी खाओ और निकल के इधर आ जाओ, समझ में आ। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी सूर्यदेव थोड़े नीचे आ रहे हैं और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे नहीं तो किसी मामा के बच्चे, मामा के नहीं तो पड़ोसन के बच्चे, किसी के बच्चे भी लेके आके आप खेल सकते हैं यहाँ पे। लिटरली पीपल आर हैविंग फन, स्पेंडिंग टाइम, एंजॉयिंग, बहुत अच्छा मजा लग रहा है। लिटरली यू शुड ट्राई, अगर हैदराबाद में आप रहते तो 70 किलोमीटर में आप यहाँ पे आ सकते हैं। लिटरली यू कैन सी बैक देन, इट्स रियली गुड, देख रहा है, दैट इज देयर, एंजॉय करने को बोलते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख रहे हो ये चार कॉटेज टाइप में, सो इनके चार्जेस 15,000 है, जो मेरे को बिल्कुल वर्थ नहीं लग रहे हैं। और ये टेंट्स है लाइन से, जैसे आप देख रहे हो ये वो जो कबेले होते हैं साउथ अफ्रीका में, हुल्ला आलू करते हैं, यही वाले वो कबेले हैं। बात अलग है, यहाँ पे अफ्रीकन नहीं इंडियंस है और वो पहाड़ है जहाँ मोगली बाघ वो सब घूमते हैं, वहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। तो जैसे कि दोस्तों देख रहे हो ये वही वाला टैंक है जहाँ शोले की सीन हुआ था, लाइक थोड़ा सा क्या बोलते हैं इमिटेट बना है। यहीं पे धर्मेंद्र बोलता है भाई बसंती अगर तू नहीं माने तो मैं कूद जाऊंगा। तो बेसिकली मेरी कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, सिंगल हूँ मैं, बहुत जेन्यून बंदा हूँ आपको पता है। सो बेसिकली मैं ऐसे वैसे कुछ करूंगा नहीं, लेकिन ये रस्सी पकड़ के जाने का मन है, बट आई डोंट थिंक सो अभी ये वर्किंग पे है, देखते कैसा होता है। देख रहे हो पार्किंग भाई साहब फुल ऑन, सब वेले नहीं वेले नहीं, सब बहुत अच्छे लोग यहाँ पे आए हैं एंजॉय करने के लिए, टेंट वेंट में अपने अपने घर छोड़ के टेंटों में आके एंजॉय करने के लिए। कोई क्रिकेट खेल रहा है यहाँ पे और डीजे म्यूजिक बजाने की कोशिश कर रहा है पर बजा नहीं पा रहा है, दैट इज वन मोर थिंग। और जैसे देखो क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार यहाँ से, ऐसे व्यू में ना मेरे को धोती और बनियान पहन के ना खेती करने का मन हो रहा है, लेकिन वो मेरे को आता नहीं है, बट आई लर्न सम डे। और एक ना कभी एक बार तो खेती करूंगा यहाँ पे जरूर, यहाँ पे नहीं तो कहीं ना पाई, एक बार तो घुसूंगा उसके अंदर। और वो देख रहे हो पहाड़ भाई साहब, क्या व्यू है यार, लिटरली इट इज रियली गुड मैन। तो देख रहे हैं आपको समोसा भी है, चाय भी है। भाई साहब डीजे बंद हो चुका है, खाना खत्म हो चुका है, तो 2000 रुपये में जो हमने यहाँ पे स्पेंड किया है तो क्या किया है, बेसिकली टेंट दिया है, खाना दिया है और यहाँ पे एक्टिविटीज है वो दिया है। तो इट इज़ गुड, डीजे अच्छा था यहाँ पे, एक चीज़ बोल सकते हैं, खाना वाना सही है, एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ बारबेक्यू, दैट इज गुड यार, अगर आप आना चाहते हो
70 किलोमीटर दूर सब कुछ छोड़ के, यानी अपनी टेंशन वगैरह सब कुछ, आ सकते हो यहाँ पे, थोड़ा सा पीसफुल माइंड मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं है, 70 किलोमीटर आ जाओ, 2000 रुपये दे दो, लाइफ एंजॉय करो। बॉनफायर होगा, म्यूजिक होगा, सुकून है, सब कुछ है, बस अपना क्या बोलते हैं मोबाइल फ्लाइट मोड पे डाल देना, ताकि यहाँ पे आके फिर उस चीज़ का मज़ा ना मिले तो बढ़िया नहीं है। तो एंजॉय योर लाइफ एंड कीप वॉचिंग मी। एंड कल सुबह जा रहे हैं सनराइज के लिए, दैट इज़ द प्लान। सनराइज देखेंगे, फिर वहाँ से हैदराबाद निकलेंगे, एंड दैट इज़ द प्लान। तो कीप वॉचिंग मी, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, नहीं किए तो भी चलेगा, आई डोंट फ्रीकिंग माइंड। एंजॉय, बाय। हेलो गाइस, एज यूजुअल बाल फिर से बिखरे हुए हैं, एंड गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं हूँ सनराइज पे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सूरज उग चुका है, ऐसे हाथ में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, पुराने फोटोज की तरह हो नहीं रहा है। भाई साहब जल्दी उठना बहुत, इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। नो, मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ, योगा कर लेता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो सब झूठ बात है, कुछ नहीं करता मैं, आराम से उठता हूँ। एंड ब्यूटीफुल व्यू नहीं है यहाँ पे, थोड़ा सा दूसरा व्यू जाएंगे अभी। दिस इज लाइक, ये एक मिनट, ये ऐसा यहाँ पे व्यू पॉइंट टाइप में दिया है, एंड यहाँ पे इसलिए खड़े क्योंकि सनराइज इस तरफ हुआ। वैसे व्यू पॉइंट अभी 3-4 है, जो आपको पहाड़े दिखेंगे, सुबह सुबह फॉग दिखेंगे, और यहाँ पे इसलिए खड़े क्योंकि सूरज यहाँ पे। सो जस्ट हैव द विजुअलाइज ऑफ सनराइज, एंजॉय एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड।